प्रेम पुष्प से भर लेना, मेरी बोली मेरी करनी से या क्रोध कभी आ जाने से, भूल हुई व्यवहार में जो या दुख पहुंचान जाने से, दिल के सारे द्वार खोल के माफ मुझे तुम कर देना, सबसे क्षमा और सबको क्षमा आपस में भी कर लेना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना, क्रोध भाव आ जाने से मन अशांत जो हुआ कभी, कहे सुने अब शब्द जो मैंने भूल समझना उन्हें सभी, बैर भाव और मान त्याग मन प्रेम पुष्प से भर लेना, सबसे क्षमा और सब कुछ क्षमा शुद्ध हृदय से कर देना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना। वीरों का ये अलंकार पल में सब कुछ ये सुलझाए, स्वस्ति महके जग में उसकी जो भाव क्षमा का अपनाए, अनजाने में जो ठेस लगी मन सोच सोच फिर पछताए, सब कुछ क्षमा और सबसे क्षमाओ फिर से हम मुस्काए, मन प्रेम पुष्प से भर जाए, मन प्रेम पुष्प से भर जाए। हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, करते हैं अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, बन जाने को प्रभु दर्शन करते करते जय जयकार तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमरन बारंबार तेरा पूजन बारंबार, सम्मेद शिखर की जय जय जय, बोलो गिर नारी की जय जय जय, बोलो चंपापुर की जय जय जय, बोलो पावापुर की जय जय जय, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं।
दश धर्मों के रत्नों से पुण्यों का कोष भर लो, अपने पुण्यों का कोष भर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो। मैत्री का हो भाव सभी प्राणी के प्रति मेरा, गुणी जनों को देख हृदय आह्लादित हो मेरा। किसी से बैर कभी ना हो, प्राणी मात्र के प्रति सदा ही प्रेम भावना हो। यही आह्लाद प्रकट कर लो, यही आह्लाद प्रकट कर लो। क्रोध बैर भावों को तज कर मन पावन कर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में धर लो। चिरकालीन शत्रुता भी यदि किसी से हो मेरी, उसे भूल कर मित्र भावना बने प्रभु मेरी। कभी कटुता न रहे मन में, द्वेष भाव नहीं रहे किसी से कभी भी जीवन में। भावना सदा सरल कर दो, भावना सदा सरल कर दो। चंदन से शीतलता से मन को शीतल कर दो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में धर लो। एक एक ईंट को चुनने से है जो मकान बनता, एक एक धागा बुनने से है परिधान बनता। इसी सिद्धांत को अपनाएं, अवगुण तज कर गुणियों के गुण अपनाते जाएं। यही क्रम गुण में भी धर लो, यही क्रम गुण में भी धर लो। एक एक गुण से आत्मा को परमात्मा सा कर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में धर लो। दश धर्मों के आराधन से मृदुता आती है, भावों में चंदना मती तब रिजुता आती है। ये मन पावन हो जाता है, दश धर्मों का पालन कर प्राणी सुख पाता है। रत्न त्रय को धारण कर लो, रत्न त्रय को धारण कर लो। पर्वों का इतिहास यही जीवन में अमल कर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। क्षमा गुण को मन
क्षमा को वाणी में धर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। दश धर्मों के रत्नों से पुण्यों का कोश भर लो, अपने पुण्यों का कोश भर लो, शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। शत्रु मित्र सब में समता का भाव हृदय धर लो। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था, सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे, काया की सुध छोड़ी खाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। बख्शा कर्मों ने ना ही बख्शा, पत्थर तक गिरते देखे, कर्मों ने ना ही बख्शा पत्थर तक गिरते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सेठों में सेठ सुदर्शन, कामी रानी का बंधन, सेठों में सेठ सुदर्शन, कामी रानी का बंधन। शील को ना ही छोड़ा, शील को ना ही छोड़ा, सूली पर चढ़ते देखे, बोलिए चिंतामणि उपासनाथ भगवान की जय। और शांतिनाथ भगवान की जय। साधव जय जिनेन्द। आज दक्ष लक्षण दहन पर हम क्षमा दिवस मना रहे हैं और चुल्लक का ज्ञान मोती माता जी का मंगल चातुर्मास करनाल से हमें चल रहा है। मैं करनाल नगर से प्रधान सेवी दिगंबर जैन सोसाइटी से विवेश कुमार जैन, जो कि
बहुत ही हमारा समाज संपन्न है और धर्म की प्रभावना में अस्त व्यस्त मस्त है, मस्त इतना कि सभी कार्य बलिभांति पूर्ण करते हैं और धर्म की गंगा को आगे बढ़ाते हैं और समाज में रौनक बढ़ाते रहते हैं। छुल्लक ज्ञान मती मोती माता जी की सानिध्य में चतुर्मास जिस दिन से बैठा उसी दिन से कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। 48 दिवसीय भक्तांबा विधान और उसके बाद 10 लक्षण धर्म में विशेष पूजाएं अर्चना होती रहती हैं, होती रही हैं और आगे भी जिस प्रकार से अब 2 माह का चतुर्मास बीत चुका है आगे भी चतुर्मास में इसी प्रकार से गतिविधियाँ चल रही। आज हमने अपने नगर में शिव जी को शांतिनाथ भगवान जी को लेकर रथ यात्रा में जो कि स्वर्ण रथ है उसमें हमने शिव जी को शहर मुख्य मार्गों पर भ्रमण कराया रथ के अंदर और झांकियाँ भी थी जिसमें हमने जलियावाला बाग पास पद्मावती माता की और एक लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे यहाँ हरियाणा में मतदान है उसमें जागरूक करने के लिए कि वोट अवश्य दें किसी को मर्जी दें लेकिन अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि एक अच्छी सरकार चुनी जा सके। आज हमने तपस्वियों का मान सम्मान भी किया और यहाँ पर जो कि 10 लक्षण पूरी तपस्या राशि जैन और शिल्पी जैन ने की उनका श्री दिगंबर जैन सोसाइटी बहुत तय दिल से धन्यवाद देती है इतनी कठिन तपस्या करने के लिए। उनको आगे हम धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको देखा देखी और भी हमारी भव्य आत्माएं उस प्रकार के 10 लक्षण व्रत का पालन करेंगी ऐसी हम समाज से अपेक्षा रखते हैं। अलका जैन महिला जैन समाज की प्रधान और सुषमा जैन जी पूर्व प्रधान जो हमारी हैं उन्होंने भी समाज में पूर्ण सहयोग दिया और दिनेश कुमार जैन अजय कुमार जैन दीपक कुमार जैन जी और भी अन्य प्रवीण कुमार जैन सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने कार्यों को भलीभांति किया। हम समय समय पर राहुल जैन जी से भी जुड़े रहते हैं। नौका चलन के माध्यम से हमें राहुल जैन जी पर इतना विश्वास है कि हम आधी रात को भी आवाज़ देते हैं तो वो अपना हमें किसी प्रकार से भी मना या वो नहीं करते। और आज हमने मेरठ से संगीतकार भी बुलाए हुए थे, उन्होंने शहर में बिल्कुल ही जैन धर्म की पताकों को इतना फैलाया इतने अच्छे भजन से मुक्त मंत्र मुक्त किया कि वाकई सारे शहर में हमें आज बहुत अच्छा लगा और हम भविष्य में भी इसी प्रकार की धर्म प्रेरणा करते रहें। हमारे मध्य आदर्श जैन जी जयपुर से आए हुए थे शास्त्री जी, वो पिछले 10 लक्षण पर्व पे भी आए थे, उन्हें ज्ञान इतना है कि बहुत अच्छा और मीठी भावना मीठा रस बच्चों से जुड़े रहना बच्चों को आगे धर्म के प्रति प्रेरित करना ऐसा ही हम विषय रखते हैं। चतुर्मास में जो हम चुल्लिका जी को लाए हैं हमारा उद्देश्य यही है कि लोग धर्म से जुड़े रहें और धर्म की भावना को बढ़ाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ सादर जय जी ने